साहब ये क्या है ये? आप ये पूरा स्टेशन देखो यार, ओह माय गॉड। मेरी अभी भी धड़कन जो है तेज़ हो रही है, मतलब अभी देखते कि मतलब बस दो डेकेड में चाइना ने इस रीजन को इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर दिया है। यहाँ पे जो चार्जिंग है वायरलेस चार्जिंग, आप देखोगे तो भाई मेरा जो फ़ोन है वो चार्ज हो रहा है। ट्रेन स्टेशन में आई है और ट्रेन ऑटोमेटिक रुक रही है यार। वेलकम टू माय चैनल एवरीवन, माय नेम विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वंडरिंग मैनियक। यार मैंने शायद ही कभी अपना जो स्टार्टिंग होता वीडियो का कभी ऐसे करा होगा छतरी के साथ, बट क्या कर सकते गाइज, अभी फ़िलहाल चाइना में हो रही है बारिश, मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी मुझे पता नहीं अचानक से क्यों मौसम बदल चुका है, बट लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं भाई था जांग जियाजी में और हमने वो माउंटेन क्लाइंबिंग करी थी, माउंटेन क्लिफ वॉकिंग करी थी। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है गाइस, आई एम सो सो ग्रेटफुल ऑल द टाइम। आप लोग जो इतना बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हो यार। अभी फ़िलहाल गाइस हम लोग हैं चाइना के बहुत ही डिफरेंट पार्ट में। अभी फ़िलहाल है गाइस हम लोग ग्वांगजू में, जो कि बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है हांगकॉन्ग के। तो जांगजियाजी से मैं इधर आया था कल रात को ट्रेन लेकर। बट एनीवेज गाइस, ये जितना भी पार्ट है चाइना का, ग्वांगजू ले लो, शेंजन ले लो, ये जितना भी हांगकॉन्ग के आसपास का रीजन है चाइना का, ये लास्ट के 4-5 साल या फिर 10 साल में ही बोल सकते हो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा है दुनिया भर में। क्योंकि ये जो एरिया है चाइना का वो इतना ज़्यादा अलग है, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, इतना ज़्यादा मॉडर्न है कि क्या बताऊँ आप लोगों को मैं। इसीलिए दुनिया भर में सारा एरिया जितना भी है ये चर्चे में रहा है। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न यहाँ से मैं ग्वांगजू से आप लोगों को शेंजन लेके जा रहा हूँ, जो कि ग्वांगजू से कुछ अराउंड बोल सकते हो 120-130 किलोमीटर है। बट हम लोग ग्वांगजू से शेंजन कुछ अराउंड 25 मिनट में पहुँचने वाले हैं। ये गाड़ी देखो आप लोग, ये क्या है ये समझ नहीं आ रहा, ये गाड़ी है या फिर स्केट है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। ये देख लो भाई कैसी यहाँ पे ये गाड़ी है, बट लग तो रही है इलेक्ट्रिक की बाइक लग रही है कुछ, बट काफ़ी कूल सा बनाया गया है यहाँ पे छोटे छोटे से। एंड आपको रिसेंटली मुझे पता चला कि जितने भी बाइक्स होते हैं ना छोटे वाले, ये फोल्डेबल होते हैं। इसका मतलब आप इस बाइक को फोल्ड करके ना कहीं पर लेके जा सकते हो, सारों का फोल्ड करके आप आपके साथ मतलब बैग, जैसे बैग उठाते हो वैसे उठाकर आप लेके जा सकते हो इस गाड़ियों को। तो यहाँ पे अभी हम लोग यार जो टिकट है टिकट ले लेते हैं, टिकट लेने के लिए बस आपको प्राइस दबाना होता है, तो इंग्लिश दबाई करेंगे। 2 युआन का मेरा टिकट है तो कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आया था किससे पे करना है आपको, मैंने अली पे क्लिक किया और अली पे क्लिक करने का यहाँ पे क्यूआर कोड आ जाएगा, और जैसे ही क्यूआर कोड आता है इसको स्कैन करो। तो स्कैन कर रहा हूँ मैं, देखो स्कैन कर रहा हूँ मैं, स्कैन किया और तो हमारी जो टिकट है वो यहाँ पे आ चुकी है गाइस। ये टोकन टाइप देते हैं ये 2 युआन का, एंड यहाँ से भाई हम लोग अभी एंट्री करने वाले हैं। आप लोग एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम लोग जितने भी आप देखोगे लोकल लोग, ये लोग ना यार स्कैन करके एंट्री लेते हैं, एंड ऐसे मैक्सिमम लोग कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करके ही मेट्रो के अंदर एक्सेस लेते हैं गाइस। एंड सही बताऊँ तो यहाँ पे कैश का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, मतलब कोई कैश यूज़ नहीं करता यहाँ पे, और कैश किसी को दे दो तो वो भड़क जाता है कि भाई ये कैश क्यों दे रहा है मेरे पास चेंज नहीं है। तो पूरा ही यहाँ पे डिजिटल पेमेंट का सिस्टम है, सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, मोबाइल से पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे यार मैंने ना एक पानी और ये जो बॉटल है वो लिया, और लोग देखो कैसे पेमेंट कर रहे हैं। ये देखो आपने मोबाइल लगाया और पेमेंट हो गया, तो सारा कुछ कॉन्टैक्ट लेस है भाई यहाँ पे। तो मैंने भाई एक पानी का बॉटल लिया यहाँ पे, और पेमेंट भी इतना एफिशिएंट है ना भाई यहाँ पे, मतलब जितनी जल्दी पेमेंट हो सकता है उतना, आपको सोचने का भी टाइम नहीं देंगे कि यार मैं पेमेंट करूँ नहीं करूँ, बस मोबाइल लगाओ ऑटोमेटिक भाई पैसा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम एफिशिएंट और एकदम बढ़िया। तो जब मैं चाइना के बारे में प्लान कर रहा था, मुझे लगता था कि यार चूँकि ये भी मतलब कंट्री इतनी पॉपुलेटेड है, यहाँ पर आप लोग चीज़ें देख लो, हर चीज़ मतलब इतना ऑर्गेनाइज्ड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई लाइन में खड़ा है, किसी की ट्रेन लग रही है तो सारे देख सकते हो यार, सारे लाइन से खड़े हैं, मतलब सारे रूल्स फॉलो करते हैं यहाँ पे, और सब कुछ ऑर्गेनाइज में होता है। भले ही भीड़ होती है बट भीड़ आपको दिख के नहीं आती, और ये हर जगह है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन में भी ऐसी है, सड़क पे जाओगे आप लोग सड़क पे भी ऐसी है, ट्रैफिक मिलेगी आपको पर सारे ट्रैफिक ऑर्गेनाइज वैसे होगी, रूल्स के हिसाब से होगी, जो कि मुझे आई थिंक काफ़ी बढ़िया लगी जितने भी मेरी अभी तक की चाइना की ट्रिप थी। आप लोगों का जो शेंजन मेट्रो है मेट्रो के बाहर, तो ये फिलहाल देख सकते हो ये एक ट्रेन स्टेशन है गाइस, फिर से बता रहा हूँ ये एक ट्रेन स्टेशन है, आप इसको देख के कन्फ्यूज मत हो जाना। बट ये फिलहाल अभी बाहर का शेंजन का माहौल है, आज पता नहीं यार काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, और ग्वांगजू से शेंजन आए हम लोग कुछ अराउंड 130 किलोमीटर ट्रेन में, कुछ अराउंड 25 मिनट
बुलेट ट्रेन में बैठकर, इतना इजी, इतना कन्वीनियंट ट्रेन जर्नी मैंने लाइफ में कहीं नहीं देखा। सर मैं पर्सनली अगर मैं कहीं और कंट्री में ट्रैवल करता हूँ तो एटलीस्ट मुझे एक से डेढ़ घंटा तो मिनिमम लगता है इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। ऐसा लग रहा हूँ कि बगल के कोई दूसरे शहर में आ चुका हूँ, बट वी आर अराउंड 120 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड। आप लोगों को मैं यहाँ का जो शेंजन है, शेंजन का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो दिखाता हूँ, जो अगेन वन ऑफ द मेन रीज़न है मैं शेंजन आया था। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है शेंजन का, वो कुछ आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है गाइस। आई थिंक प्रोबेबली दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजिकली एंड ऑल्सो विथ कन्वीनियंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जो शेंजन का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कोई साधारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है गाइस, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न आई कम हियर टू शो यू कि यहाँ पे चल क्या रहा है चाइना में। भाई साहब ये क्या है, ये कहाँ आ गया भाई मैं, ये स्टेशन है कि क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मैं तो यार रेलवे स्टेशन में ही हूँ, मैं मेट्रो स्टेशन में हूँ मैं, बट समझ नहीं आ रहा ये मेट्रो स्टेशन इतना क्रेजी, इतना एडवांस्ड, और ये कोई स्पेसशिप टाइप क्यों देखने को लग रहा है मेरे को। भाई यार ये एक रेलवे स्टेशन है भाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये देखो आप लोग क्या बनाया है यार इसको, ओ माय गॉड यार। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जितनी भी ट्रेन लाइन चल रही है यहाँ पे लोग आने जाना कर रहे हैं, और ये यहाँ पे स्टेशन है जो कि मेरे को तो यार एक क्या बताऊँ मैं, लग रहा है कोई मूवी वगैरह में आ चुका हूँ या फिर कुछ वर्चुअल रियलिटी में आ चुका हूँ। आप तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे लोकल लोग भी फोटो वगैरह ले रहे हैं स्टेशन की। इतना बढ़िया बनाया है स्टेशन को यार, एंड ये इतना सरप्राइजिंग इसीलिए है क्योंकि ये बस लास्ट के 20 सालों में हुआ है गाइस। 20 साल के पहले ये जितना भी आप लोग डेवलपमेंट देख रहे हो कुछ नहीं था, एंड जितने भी ट्रेन स्टेशन देख रहे हो, जितना भी ये शेंजन का मेट्रो लाइन देख रहे हो, शेंजन का मेट्रो अगर बता दो तो चाइना के टॉप 5 बिगेस्ट मेट्रो स्टेशन में आता है, पहला बीजिंग, फिर शंघाई, फिर ग्वांगजू, उसके बाद शेंजन, तो टॉप 5 बिगेस्ट मेट्रो लाइन्स में आते हैं। एंड ये जितने भी डेवलपमेंट देख रहे हो आप लोग, ये सारा कुछ यार लास्ट के 20 सालों में हुआ है, एंड आई कांट बिलीव कि यार चाइना ने ये कैसे कर लिया यार। अभी ये तो, अरे भाई साहब ये क्या है, ये आप ये पूरा स्टेशन देखो यार, ओ माई गॉड। मैं सही बता रहा हूँ गाइस, मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा, और आप मेरी ये वीडियो देख के आप समझ ही पा रहे होंगे कि मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ये कुछ अलग ही चीज़ बनाई है चाइना ने। मैंने इतना सुंदर एयरपोर्ट नहीं देखा कहीं पे यार, और इन्होंने ट्रेन स्टेशन बना दिया ये, और यहाँ पे हर एक बंदा फ़ोटो ले रहा है। मतलब देख लो, मैंने कभी किसी स्टेशन में लोगों को इतने फ़ोटोज़ खिंचाते हुए नहीं देखा। यहाँ पे देख सकते हो सारे लोग फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं यार, भाई साहब क्या है ये। एंड ये स्टेशन का नाम है गाइस जांगशिया स्टेशन, यहाँ पे देख सकते हो भाई सारे फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है कि ये क्या है, क्या है, क्या बनाया है चाइना ने, तो कॉमेंट सेक्शन में लिखना। मेरी अभी भी धड़कन जो है तेज़ हो रही है, मतलब ये देख के कि मतलब आई कांट बिलीव यार, बस दो डेकेड में चाइना ने इस रीजन को इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर दिया है कि दुनिया भर देख ही रही है इस चीज़ को यार। ये देखो भाई, एंड यहाँ पे बस ये नहीं है गाइस, जैसे मैंने आप लोग बताया स्टेशन तो बढ़िया है ही, देख सकते हो आप लोग। एंड यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे भाई यहाँ पे लोग एंट्री कैसे लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंट्रेंस है टिकट काउंटर का, तो यहाँ पे दो मेथड तो नॉर्मल है जो हर जगह दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या बोलते हैं QR कोड से आप एंट्री लेते हो, नहीं तो यहाँ पे एक फेशियल का भी है देख सकते हो भाई, कि फेस रिकग्नाइज कर रहा है ये, और अभी ये बता रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली डिटेक्ट नहीं कर रहा कुछ, तो शक्ल दिखा के भी लोग मेट्रो लाइन क्रॉस कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मेरे को कि भाई यार काफ़ी कूल है यार ये। प्लीज़ एडजस्ट योर फेस पोस्चर, वेरीफाइंग करके कहता है कि वेरीफाई नहीं हुआ। यार कितना कूल स्टेशन है यार, ये लग रहा है कि भाई कोई फ्यूचर में आ चुका हूँ मैं, कि भाई अलग ही लेवल की फील है यार। कभी ऐसा स्टेशन नहीं देखा हूँ इतना एडवांस टेक्नोलॉजी वाइज। ये ट्रेन स्टेशन तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा गाइस मेरे को। ये जो गाइस यहाँ पे कुछ स्पेसशिप वगैरह में आ चुका हूँ लग रहा है यार, क्रेजी है यार ये, सही बता रहा हूँ, क्या मेट्रो स्टेशन बनाया है यार, रिस्पेक्ट बढ़ गया यार चाइना के लिए मेरे को यहाँ पर आ गए।
आप लोग यहाँ पे ट्रेन स्टेशन में ट्रेन भी दिखाई देते हैं यार कैसा है यहाँ पे। भाई साहब यहाँ पे ट्रेन देख लो भाई, ऐसे यहाँ पे ट्रेन है। मैं भी यहाँ पे भाई शेंजन में यार आप लोगों को मेट्रो घुमाने लेके आ गया। इतना बढ़िया मेट्रो लाइन है यार, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को यार। कैन यू इमेजिन यार कि कोई यार मेट्रो घूमने के लिए आ रहा है यार। ओ भाई साहब, तो यहाँ पे भाई कोई दूसरे स्टेशन में आया हम लोग, मुझे पता तक नहीं है कि कौन स्टेशन में आया हूँ मैं। बस ऐसे ही घूम रहा हूँ भाई, मैंने कभी इतना मेट्रो नहीं घूमा। बस फालतू के बस ऐसी ट्रेन चढ़ रहा हूँ और बस घूम रहा हूँ। और ये स्टेशन देख लो आप लोग, ये क्या स्टेशन बनाया है यार इन्होंने यार कांट बिलीव यार। मैं शंघाई के स्टेशन पर चढ़ चुका हूँ, बट ये शेंजन के कुछ अलग ही लेवल के मेट्रो है यार। भाई साहब क्या बनाया है यार, ऊपर देख लो यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं यहाँ पे यार लोग ये लोग। एंड आप लोगों को फिर बता दूँ, ये बस लास्ट के बस 20 सालों में हुआ है गाइस। भाई समझ नहीं आ रहा यार क्या देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप लोग काफ़ी जगह पे यार चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल देख सकते हो यहाँ पे भाई चार्ज कर रहा है यहाँ पे, देख सकते हो ये। बट यहाँ पे खाली है नहीं, जहाँ पे मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ कि यार। देख सकते हो गाइस आप लोग, अभी मुझे जगह मिल गई यहाँ पे, और यहाँ पे जो चार्जिंग है वायरलेस चार्जिंग आप देखोगे तो भाई मेरा जो फ़ोन है वो चार्ज हो रहा है, कुछ 57% दिखा रहा है। बट आप ऑन द वे जब आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो तो ऐसे वायरलेस भाई आप चार्जिंग यहाँ पे करते हो शेंजन मेट्रो में, जो कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना कूल चीज़ है ना भाई, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। बस रख दो भाई ऐसे ही, और जितने सफ़र जितना भी टाइम सफ़र करो तो उसमें चार्जिंग है वो जितनी भी हो सकती है उतनी हो जाएगी। बट आप ये देख लो यहाँ पे ट्रेन कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, यहाँ पे ये भाई बैठा हुआ है और ये पता नहीं क्या कर रहा है। ये ट्रेन भी जो है वो ऑटोमेट होके चल रही है यार, आई थिंक ये भाई तो बस में बैठा ही है, कुछ नहीं कर रहा यार, ये बस चेक करने के लिए बैठा है मुझे लग रहा है। ये तो उठ गया यार, तो क्या ये ट्रेन अपने आप रुकने वाली है यार। देख लो इसने कुछ नहीं करा, ये खड़ा है बस यहाँ पे, ट्रेन स्टेशन में आई है और ट्रेन ऑटोमेटिक रुक रही है यार। ओह माय गॉड, ये कुछ अलग ही चीज़ है यार। ये देख लो इसने कुछ नहीं करा, ये तो बस बैठा है, ये तो उठ भी गया ये तो। और आप लोग यहाँ पे ट्रेन स्टेशन में ये देख सकते हो, ऊपर एक ग्लास का एक कवर लगाया गया है, एंड ये लगाया गया जिससे कि जो ट्रेन जो है वो आवाज़ कम करे। एंड जैसे आप लोगों ने रशियन ट्रेन में देखी होगी, रशियन ट्रेन में जो आवाज़ आती है वो मैंने कहीं कोई रेलवे में नहीं देखी, इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है ना भाई। बट ये ग्लास का कवर लगाने से पहली बार तो यार ये दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और जो आवाज़ है वो भी आपको देखने को नहीं मिलती। तो अभी हम लोग आए गए इस यहाँ पे लोहू स्टेशन में, तो ये स्टेशन का नाम लोहू है, और ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस शेंजन का पूरा मेट्रो मैप। अभी फ़िलहाल हम लोग ये जो ये वाला येलो लाइन है, येलो लाइन में हैं हम लोग अभी, 14th लाइन देख सकते हो आप लोग। ये गंगशा नॉर्थ यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था, और अभी हम फ़िलहाल हैं लोहू का यहाँ पे, लोहू नॉर्थ, ये देखो यहाँ पर है हम लोग। एंड ये सारा भाई पूरा शेंजन मेट्रो, और ये सारा भाई हमारा मेट्रो स्टेशन। क्या क्या जगह है ये, हर मेट्रो स्टेशन अलग बनाया है उन्होंने, हर मेट्रो स्टेशन का अलग इंटीरियर बनाया है। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार इतना बढ़िया मेट्रो बनाया होगा तो यार काफ़ी महंगा होगा, आपको बताता हूँ यहाँ पे सबसे सस्ती टिकट है बस 2 युआन। एंड आई थिंक मैक्सिमम से मैक्सिमम ये जाती होगी आई थिंक 7 से 8 युआन मैक्सिमम, एंड 2 युआन का मतलब कुछ 20 रुपये। और आई थिंक मैक्सिमम कहीं पर भी अगर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है आई थिंक आप अराउंड 100 से 110 रुपये में आराम से कहीं पर भी पूरे शेंजन मेट्रो लाइन में ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे देख लो, ये आप लोग स्टेशन देखो यार, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कुछ बोलने के लिए। ये कैसा स्टेशन बनाया है यार इन्होंने, और मैं कुछ एग्जैजरेट नहीं कर रहा गाइस, और मेरे को किसी ने कुछ पैसे नहीं दिए ये बोलने के लिए। आप ये स्टेशन देखो क्या बनाया यार ये, ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ अलग ही दुनिया में आ चुका हूँ मैं। मतलब मैंने कभी ट्रेन स्टेशन को कभी ऐसा इमेजिन नहीं करा गाइस। ट्रेन स्टेशन मैंने काफ़ी मेट्रोज में ट्रैवल कर लिया मैंने, और मैंने ऐसा ट्रेन स्टेशन लाइफ में कहीं नहीं देखा। ये
यहाँ पे मेट्रो में यहाँ पे ये काफी इंटरेस्टिंग कुछ देखने को मिल गया। अच्छा क्या बोल रहे यार, ये इंग्लिश करो। फॉलन टेक्स में क्लिक कांट एग्जिट। अच्छा तो यहाँ पे यार ये कस्टमर सपोर्ट है ऑटोमेटेड, तो यहाँ पे कोई मोहतरमा खड़ी है और यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपको दिक्कत हो रही है, अगर आप एग्जिट नहीं कर सकते, रिचार्ज करनी है आपको, या फिर यहाँ पे कोई आपको यहाँ पे कस्टमर एजेंट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक मोहतरमा खड़ी है और जैसे पास जाते हो ये निहाओ बोल रही है पता नहीं, एंड कुछ भी इशू है आपको तो आप यहाँ पे भाई इससे बातचीत कर सकते हो। देख लो भाई अगर शेंजन में इससे बात करना है तो यहाँ पे आ सकते हो आप लोग। दुनिया से बहुत आगे है यार ये, एंड दिस इज़ समथिंग विच आई कांट कंपेयर, मैं कंपेयर ही नहीं कर सकती किसी और चीज़ से इसको, ऐसे लेवल पे गेम खेल रहा है चाइना अभी। यार अभी इतना घूमने के बाद अभी आ चुके हमारे हम एग्ज़िट के पास, तो भाई अभी एग्ज़िट करते हैं हम लोग। ये अभी शक्ल दिखाएगा, शक्ल तो मैच करेगा नहीं तो वेरीफाई हुआ नहीं, बट हमारे पास टोकन था तो हम टोकन डाल रहे हैं भाई, और जो हमारा है एग्ज़िट हो गया। और जहाँ से भी आया था मैं कुछ अराउंड 4 yuan लगे, कुछ अराउंड 45 rupees 50 rupees बोल सकते हो आप लोग। या गाइस दिस इज़ शेंजन मेट्रो। यहाँ पर देखो ओ भाई साहब क्या चीज़ बनाई है यार इन्होंने। भाई यहाँ पे शेंजन मेट्रो का जो एग्ज़िट है, एग्ज़िट का एरिया, एंड अभी थोड़ी बहुत बारिश जो है रुक चुकी है। फाउंड वन फ्रेंड हियर, योर नेम वाज पोशुन। तो ये ऐसे स्ट्रेंजर थे, मेरे को कुछ डाउट हो रहा था, मैं स्कैन कर रहा था ट्रांसलेट करके, तो आ गए, बोलते हैं कि आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो मैंने बोला हाँ चाहिए मुझे, ये जगह पे जाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो ये मुझे लिटरली लेके जा रहे हैं अपना बिजी शेड्यूल छोड़कर। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प। तो भाई ऐसे भाई, ओ भाई साहब ये मेरा पहली बार है शेंजन के बाहर, स्टेशन के बाहर मैं निकला ही नहीं शेंजन के बाहर, शेंजन के स्टेशन के बाहर, एंड ऐसा पूरा यहाँ पे भाई देख सकते हो बड़े बड़े इमारतें, एंड ये गाइस शेंजन मेट्रो जो आप लोगों ने देखा। तो वहाँ पे भाई उन भाई ने इतना प्यारा, भाई यार क्या बताऊँ यार, कभी कभार ट्रैवल करते टाइम लोग इतने बढ़िया लोग मिल जाते हैं ना यार। तो यहाँ पे हमारे भाई बोल रहे थे कि ये जो मेट्रो स्टेशन है ये काफ़ी मशहूर है शेंजन में, ऑफकोर्स होना भी चाहिए, इसको आई ऑफ शेंजन के नाम से जाना जाता है, मे बी बिकॉज द वे इट इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड द वे आप लोगों ने देखा, तो इसको आई ऑफ शेंजन के नाम से जाना जाता है। काफ़ी लोकल लोग भी यहाँ पे बस ऐसे ही आते हैं मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए, नहीं ऐसे ही बस घूमने के लिए, पिक्चर वगैरह लेने के लिए आते हैं, ऐसा हमारा भाई बोल रहा था। बट एनी वेज ये वाला वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, एंड नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, शेंजन के बारे में ही होगा, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा कि क्या मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक करना, कमेंट करना अपना व्यूज कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, एंड ज़रूर कमेंट्स में लिखना है क्या चीज़ थी आप लोगों को पूरे शेंजन और पूरे ये मेट्रो सिस्टम के बारे में जो आप लोगों को पसंद आई। एंड मैं नॉर्मली यार मैं आप लोगों को बोलता नहीं हूँ, मैंने शायद ही कभी मेरे चैनल में बताया कि मेरे को मेरे चैनल का सब्सक्राइब भी कर दो, बट आज बताऊँगा यार प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं होता आपके लिए फ्री है, बट मुझे यार बहुत मोटिवेशन मिलती है। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश करिए, एंड आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।